इस ब्लैंक स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक का भी मीनिंग ना पता हो तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, जिनमें मैंने अभी जिन भी शब्दों को आपको दिखाया वो सारे शब्दों को मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ कि इन वन वर्ड्स के लिए हम कौन सा लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखते हैं। An issue which is likely to cause controversy, एक ऐसा मुद्दा जो विवाद खड़ा कर दे, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? Contentious, contentious. To cut a part of a person's body for medical reasons. अगर किसी का भी कोई शरीर का हिस्से में जहर फैल जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेडिकल रीजंस की वजह से जब हम उस बॉडी के पार्ट को काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्प्यूटेट। क्या कहते हैं? एम्प्यूटेट। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जब भी किसी कोर्ट से आपको बुलाया जाए तो उसको बुलाना नहीं कहते, कॉलिंग नहीं कहते, उसे हम कहते हैं समन, समन। एक्ट ऑफ लीविंग अ पॉलिटिकल पार्टी टू जॉइन सम अदर वन। कई बार देखा गया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जंप करते हैं। कभी कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में आ जाता है, कभी कोई बीजेपी का नेता आप में चला जाता है या आपका बीजेपी में आ जाता है। तो ये जो फेर बदल ये लोग करते हैं, दल बदल करते हैं, इसको हम वन वर्ड में डिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेक्शन। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। एक ऐसा एनिमल जिसको झुंड में रहना पसंद हो, जो हमेशा आपको एक ग्रुप में दिखे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। अब ये तो आप लोग बता ही देंगे क्योंकि इस टाइम पे हम लोग फेड अप हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो वो क्या होता है? That is called endemic. लेकिन अब कोरोना इस तरीके से फैल चुका है कि ये सिर्फ एरिया में नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में फैला है, इसलिए ये बन गया है पैंडेमिक। और जो डिजीज किसी एरिया में फैले तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। No longer in existence or use. ऐसी चीज जो अब यूज नहीं की जाती है उसको हम ऑब्सोलेट कहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे कैसेट्स यूज होती थी, डीवीडीज यूज होती थी, लेकिन सीडी यूज होती थी, फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, लेकिन आज के टाइम पे लोग बस गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए डायरेक्ट यूट्यूब ऑन करते हैं, इंटरनेट या हॉटस्टार पे देखते हैं। अब किसी के हमें ये कैसेट्स देखने नहीं मिलती हैं। सो ये कैसेट्स अब ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज वी कैन से। A strong feeling of dislike towards someone or something. किसी के प्रति घृणा करना या किसी को ना पसंद करना, उसको हम एंटीपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपैथी। Obsession with one particular thing. किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए ऑब्सेशन होना, ऑब्सेस्ड होना, यानी बहुत ज्यादा उससे लगाव है, किसी चीज के लिए आप पागल हैं, उसे पाने की डिजायर में पागल हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोमेनिया। मोनो मीन्स ही वन होता है।